बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑनलाइन साइट है जिसके एयर क्लीनर के और कुछ वाटर के पाइप गलत लगाने की वजह से सारा पानी इसके ये पेट्रोल टैंकी में जा रहा है। अच्छा, इसकी ये पेट्रोल टैंकी जो है वो पानी से भी भरी हुई है, जो कि हमने ये इसमें से निकाल दिया, इस डब्बों में पानी पेट्रोल निकाल दिया, ये इसमें पानी और पेट्रोल मिक्स आ रहा है। कपड़ा पीला भी धूं आना जल्दी बच्चे। इस पाइप के उल्टे लगाने की वजह से रेडिएटर का सारा पानी इसके पेट्रोल टैंक में आया, जो कि इसमें ये लाइन 900 जी के लाइन तो आई, हवा वाली लाइन, ये हवा वाली जो लाइन लगी होती है इसके ऊपर, क्या नाम है, फ्यूल पंप के ऊपर, उसके अंदर पानी आया तो सारा इसके पेट्रोल टैंक में गया। रेंडम और मिस फायर के कोड गाड़ी में आए, इसमें कोड चेक इन लाइट ऑन हुई, मिसिंग हुई गाड़ी में। ये इसका फ्यूल पंप है, ये देखें ये पानी के आपको असरात थोड़े से लगे आ रहे हैं, ये इसका, ये देखें ये पानी है, इसमें इस लाइन से इसमें पानी आया जो ऊपर आगे एयर कलेक्टर के साथ पाइप लगे हुए हैं थ्राटर के और उसके, ये पानी ये देखें, ये देखें ये पानी इसमें, ये पानी इसे पेट्रोल में सारा। तो ये रैंडम का जो ये कोड आ रहे थे ये भी मिस फायर वाले, चेक इंजन लाइट और मिसिंग गाड़ी में। रेडिएटर में पानी ख़त्म होने की वजह से इसका इंजन दूसरा जो था वो हीट होके ख़त्म हो गया, इसका इंजन भी दूसरा डालने के बाद हमने ये पार्ट इसका ट्रेस किया कि पानी इसका किधर जा रहा है। तो ये वाले जो पाइप हैं इसने, किसी ने ये पाइप इसके उल्टे लगाए हुए थे, ये जब भी एयर फिल्टर इसका खोलें तो एहतियात से इसके पाइप दोबारा लगाया करें, इसमें मिक्स ना कर दिया करें। ये इसका इंजन जो था गाड़ी में पानी ख़त्म होने की वजह से ये इंजन इसका एक्सपायर हो गया। तो इसमें मैंने अभी ये दूसरा इंजन डाला। असल में ये वीडियो जो है बड़ी एक इंफॉर्मेशन के लिए, अगर कभी आपके साथ ऐसा वाकया हो जाए, मिस फायर का कोड आए गाड़ी में और ट्रेस ना हो, तो आपने पेट्रोल चेक करना है। दूसरी ये है कि रेडिएटर में पानी साथ ख़त्म हो, रेडिएटर में पानी ना हो, आप पानी डालें और पानी ख़त्म हो रहा है, तो ये पानी इन पाइपों के थ्रू पीछे टैंकी में जाता है। जब रेडिएटर में पानी ख़त्म हो जाता है तो इंजन इसका अंदर से हीट के बाद हेड क्रैक हो जाता है या कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है। हमने ये फॉल्ट रेस किया बड़े अजीब से, उससे इंजन चेंज किया, उसके बाद हमें भी पता चला कि दोबारा रेडिएटर में पानी ख़त्म हो रहा है, तो ये पानी किधर जा रहा है। तो ये काफ़ी टाइम के बाद फॉल्ट रेस हुआ कि पानी पीछे टैंकी में जा रहा है। ये पहले PWD और बेरिया में गाड़ी खड़ी थी, PWD के मैकेनिकों ने इसका एयर फिल्टर खोला था और इसका ऑयल चेंज किया था, उसके बाद उन्होंने ये पाइप उल्टे लगाए फिर, और ये सारा नुकसान उनकी वजह से हुआ। अभी ये चीज़ें तो ट्रेस हो गई, अल्लाह का शुक्र है कि चले गाड़ी में फॉल्ट पकड़ा गया। और जब भी ऐसा कोई काम करें तो कोशिश करें, अगर आपको ज़ुबानी याद ना हो तो उस जगह की पिक्चर ले लिया करें, तस्वीर ले लिया करें, ताकि फिटिंग के दौरान आपको दोबारा इन चीज़ों से आपको कोई किसी फिटिंग में आप मिस ना हो जाए आपसे कोई फिटिंग, और जब आप फिटिंग करें तो उसकी पिक्चर देख के आसानी से आप उसको फिट कर सकें। तो ये एक छोटी सी बड़ी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उस तक के लिए इजाज़त, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।